Exercise 1.2. Question number 1. From the forming matrices, identify unit matrices, row matrices and null matrices. यहाँ पर ये वाले जो मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनमें से हमने कर आइडेंटिफाई करने हैं ये कौन कौन से मैट्रिसेस हैं, कौन सा मैट्रिक्स यूनिटी मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स रो है और कौन सा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स है. नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स एक ही मैट्रिक्स के नाम है. तो शुरू कर लेते हैं हम. आंसर क्वेश्चन नंबर 1. मैट्रिक्स ए इज अ नल मैट्रिक्स. मैट्रिक्स ए नल मैट्रिक्स है, इसकी सारी एंट्रियां जीरो है. मैट्रिक्स बी रो मैट्रिक्स है, इसमें एक ही रो है. और मैट्रिक्स सी जो है उसमें एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स डी यूनिटी मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसको. और मैट्रिक्स ई जीरो मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स भी कह सकते हो इसको. और मैट्रिक्स एफ कॉलम मैट्रिक्स है. तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है. Exercise 1.2. Question number 2. From the following matrix, identify square matrices, number B rectangular matrices, C row matrices, D column matrices, E identity matrices, F null matrices. ये matrices दिए गए हैं. इन matrices में से ए कैटेगरी में स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तो हम देख लेंगे ए कैटेगरी में कौन कौन से मैट्रिक्स. बी में रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, सी में रो मैट्रिसेस, डी में कॉलम मैट्रिसेस, ई में आइडेंटिटी मैट्रिसेस और एफ कैटेगरी में नल मैट्रिसेस आएंगे. तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं हम. आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ए कैटेगरी जो कि स्क्वायर मैट्रिसेस की है उसमें कौन कौन से मैट्रिसेस आते हैं. पार्ट नंबर 3 स्क्वायर मैट्रिसेस में आता है. स्क्वायर मैट्रिसेस ऐसा मैट्रिसेस होता है जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज दोनों बराबर हो. पार्ट नंबर 3 जो है वो स्क्वायर मैट्रिसेस में आता है. पार्ट नंबर 4 भी स्क्वायर मैट्रिसेस में आता है और पार्ट नंबर 8 भी स्क्वायर मैट्रिसेस. पार्ट नंबर 4 जो है वो दो कैटेगरी में आएगा. एक तो ये यूनिटी मैट्रिक्स भी है, इसके डायगोनल पे 1-1 है, 1 है, तो ये यूनिटी मैट्रिक्स भी है. इसको दो कैटेगरियों में हम लिखेंगे. जब उसकी बारी आएगी तो उसमें भी हम इसको लिखेंगे. अब कैटेगरी बी, बी कैटेगरी रेक्टेंगल मैट्रिक्स की है. रेक्टेंगल मैट्रिक्स में कौन कौन से मैट्रिक्स आएंगे. वन में क्या है, इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 है. तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो वो रेक्टेंगल एंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है. और किसके बराबर नहीं है, वन पार्ट नंबर 1 के बराबर नहीं है, इस कैटेगरी में लिख लिया. पार्ट नंबर 2 के भी बराबर नहीं है, इसमें एक कॉलम और 3 रोज हैं. 3 रोज और एक कॉलम है, ये भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर नहीं है. तो 2 भी लिख लिया. 5 में भी बराबर नहीं है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. और 6 में नंबर ऑफ रोज 1 और नंबर ऑफ कॉलम 3, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है. और 7वां भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. और 9वां पार्ट दो कैटेगरी में आएगा, एक तो ये नल मैट्रिक्स है और दूसरा रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी है. अब सी कैटेगरी रो मैट्रिक्स की कैटेगरी है. रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही रो होती है, तो यहाँ पर एक ही ऐसा मैट्रिक्स है, वो है नंबर 6. अब कॉलम मैट्रिक्स ऐसा कॉलम होता है जिसमें एक ही
कॉलम होता है सिर्फ। यहाँ पर कौन कौन से मैट्रिक्स ऐसे हैं जो एक कॉलम रखते हैं? एक तो दूसरा मैट्रिक्स पार्ट नंबर दो जो है उसमें एक कॉलम है और पार्ट नंबर सेवन में एक कॉलम है, तो इस कैटेगरी में हम लिख देंगे। उसके बाद ई कैटेगरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स फोर पार्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कैटेगरी में एक तो फोर पार्ट आएगा और उसमें एक ही है फोर पार्ट। और उसके बाद एफ नल मैट्रिक्स का कैटेगरी है तो उसमें नौवां पार्ट आएगा। तो यही क्वेश्चन नंबर टू था और वो खत्म हो गया। एक्सरसाइज 1.2 फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिटी मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिस दिए गए हैं इनमें से डायगोनल स्केलर और यूनिटी मैट्रिस आइडेंटिफाई करने हैं, पहचानने हैं। तो जो ए मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल की एंट्रीज नॉन जीरो होती हैं और सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं। जैसे ए है तो इसके डायगोनल की एंट्रीज, ये वाला डायगोनल की एंट्री 4-4 है तो 4-4 सेम एंट्री है। और नॉन डायगोनल्स, ये वाला नॉन प्रिंसिपल डायगोनल है, इसको नॉन डायगोनल कहेंगे। नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो होती हैं इसकी। और पी एक डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके डायगोनल में नॉन जीरो एंट्रीज हैं और बाकी सारी एंट्रीज जीरो हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे ए आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री, मैट्रिक्स ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स लाजमी डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। और यहां पर हम लिख देंगे बी, मैट्रिक्स बी इज डायगोनल मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स सी स्पेशल मैट्रिक्स है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों कहेंगे? यहां पर ये इसके जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसके डायगोनल में 1-1 होता है और बाकी एंट्रीज 0-0 होती हैं। मैट्रिक्स डी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो होती है और बाकी सब एंट्रीज जीरो होती हैं। तो डी मैट्रिक्स में कम से कम एक एंट्री तीन जो है वो नॉन जीरो है और बाकी सारी एंट्रीज जीरो हैं। हमेशा हमने यही प्रिंसिपल डायगोनल कंसीडर करना होता है। ये वाले डायगोनल को प्रिंसिपल या लीडिंग डायगोनल कहते हैं, यही हमें कंसीडर करना होता है। और यहाँ पर ई मैट्रिक्स, ये अभी तक पूरा सॉल्व अगर इससे कर लें, ई मैट्रिक्स अगर पूरा सॉल्व कर लें तो 5 में से 3 निकाला तो 2 आ जाएगा, तो 1+1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा और 2 यहाँ हो जाएगा, तो ये सेम डायगोनल्स की एंट्रीज हो जाएंगी। और जिसके डायगोनल में सेम एंट्रीज होती हैं वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। और स्केलर मैट्रिक्स हमेशा ही डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ई का हम लिख देंगे, मैट्रिक्स ई इज अ स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नेगेटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इन मैट्रिसेस के नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड करने हैं। मैट्रिक्स ए 1-0-1 है तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जो, अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका नेगेटिव ए उसके सारी एंट्रीज के साइन को चेंज करने से हासिल होगा। हम ले लेते हैं यहाँ पर भी, इसको भी बाहर माइनस ए लिख देते हैं, यहाँ पर माइनस लिख देते हैं और अंदर ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला माइनस अंदर जाके ऑपरेट हुआ तो इसने सबके साइन तब्दील कर दिए। ये -1 हो गया और ये 0 के साथ जब माइनस जरब खाया तो 0 ही रहना है। 0 से कोई भी चीज जब मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 ही रहेगी। उसके बाद
माइनस वन से जब ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो वन कर दिया इसने, इस माइनस वन को वन कर दिया, तो ये वाला माइनस ए मैट्रिक्स आ गया जो हम यहां पर लिख लेंगे, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस वन जीरो और वन, ये माइनस ए मैट्रिक्स है और यही इसका नेगेटिव। क्वेश्चन फोर का जो अगला पार्ट है बी, उसको हल करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन फोर बी पार्ट। बी पार्ट में ये वाला मैट्रिक्स दिया गया है और इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। 3, -1, 2, 1 इसकी एंट्रीज हैं। अब यहां हम लिख लेंगे माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ये वाला जो मैट्रिक्स है 3, -1, 2 और 1, ये सारी एंट्रीज इसके इनक्लोज करके हम लिख लेंगे और उसके बाहर माइनस लिख लेंगे। और ये वाला जो बाहर माइनस है, जब ये अब अंदर ऑपरेट होगा तो सब ऑपरेट हुआ तो इसने सब के साइन तब्दील कर दिए। 3 है, इसको ये -3 कर देगा, तो जो -1 है इसको 1 कर देगा, 2 को -2 कर देगा और 1 को भी -1 कर देगा। तो ये वाला माइनस बी मैट्रिक्स है जो बी का नेगेटिव मैट्रिक्स है। इज 1.2 क्वेश्चन 4 पार्ट सी। तो सी पार्ट में जो मैट्रिक्स है इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। ये वाला सी पार्ट और ये वाली सारी इसकी एंट्रीज यहां पर हम लिख लेंगे 2, 6, 3, 2 और इनको इस मैट्रिक्स के अंदर एनक्लोज कर देंगे। अब इसका सी फाइंड करना है, माइनस सी फाइंड करना है, तो यहां पर माइनस लिख के सी के साथ माइनस लिख के और जो अंदर वाला मैट्रिक्स के अंदर एंट्रियां हैं उसके साथ भी माइनस लिख देंगे। और उसके बाद ये वाला माइनस जब अंदर ऑपरेट होगा तो सब के सब पॉजिटिव एंट्रीज हैं इन सब को वो माइनस कर देगा। यहां पर -2, -6 और -3, -2 आ जाएगा और यही इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स सी है। तो उसके बाद हम मैट्रिक्स डी का नेगेटिव फाइंड, हम यहां पर लिख लेंगे डी इज इक्वल टू डी की सारी एंट्रीज को हम लिख लेंगे और उसके बाद उसका माइनस ले लेंगे। माइनस डी इज इक्वल टू होगा -3, -2, -4, -5 और उसके बाहर माइनस लगा देंगे। तो उसके बाद जब माइनस अंदर ऑपरेट हुआ तो 3 को -3 को 3 कर देगा, 2 को -2 कर देगा और 4 को -4 को ये 4 कर देगा और 5 को -5 कर देगा। जब ये माइनस अंदर ऑपरेट होगा तो इसको ये वाली एंट्रियां आ जाएंगी। तो ये वाला क्वेश्चन 4 का पार्ट डी हल हो गया है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 4 नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है और पार्ट नंबर ई का नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। यहां पर हम लिखेंगे ई इज इक्वल टू, सारी इसकी एंट्रीज लिख लेंगे, 1, -5, 2 और 3 इसकी एंट्रीज हैं, इसको यहां पर लिख लेंगे और अगले स्टेप में ई के बाहर माइनस लिख देंगे और अंदर वाले जो ब्रैकेट के अंदर एंट्रीज हैं उसके बाहर भी माइनस लिख देंगे और उसके बाद सारी एंट्रीज लिख देंगे 1, -5, 2 और 3 और उसको इनक्लोज करके मैट्रिक्स की शक्ल में लिख देंगे। उसके बाद जब ये माइनस अंदर जाके सब के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये सब एंट्रियों के साइन चेंज कर देगा। ये जब 1, -1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -2 और 3 हो जाएगा, ये सब के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यही मैट्रिक्स ई है और यही क्वेश्चन नंबर 4 भी। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द ट्रांसपोज
of the following, each of the following matrices. यहाँ पर जितने भी matrices दिए गए हैं इन सबका transpose find करना है. तो A matrix का पहले हम transpose find कर लेते हैं. A को लिख दिया, A is equal to 0, 1, -2. तो इसको transpose find करने के लिए इसके कॉलम को रो में तब्दील कर देंगे. यहां पर लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए, ये जो छोटा सा टी है इसको बोलते हैं ए ट्रांसपोज, और ये वाला जो मैट्रिक्स है इसके ऊपर भी छोटा टाइनी सा टी डाल देंगे, जिसका मतलब होगा कि इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लेना है. यहां पर टी डाल दिया, अब ये वाला ए, ये वाला ए इसके ऊपर ये टाइनी सा टी और उसके अंदर की सारी एंट्री जो है उसको हमने रो में तब्दील कर देना है. ये कॉलम में लिखी हुई है तो रो में तब्दील कर दिया, 0, 1, -2, और ये वाला मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज है. बी ये वाला मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज ये हैं 5, 1 और -6, इसको हमने लिख दिया. और उसके बाद बी के ऊपर एक टाइनी सा टी डाल देंगे, ये इसका मतलब है बी ट्रांसपोज लेने लगे हैं हम. और जो मैट्रिक्स है 5, 1, -6, इसके ऊपर भी छोटा सा टी डाल देंगे, जिसका मतलब होगा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम अभी लेने लगे हैं. तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू होगा ये वाला जो मैट्रिक्स है इसकी सारी की सारी, एक ही रो है इसमें, इस सारी की सारी रो को हम कॉलम में तब्दील कर देंगे और ऊपर जो टी हमने डाला हुआ था वो अब खत्म हो जाएगा, यानी कि उसका मतलब होगा कि टी इम्प्लीमेंट हो चुका है. सारी रो को जब तब्दील किया 5, 1 और -6 आ गया, और यही इसका आंसर है. एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, सी लिखेंगे पहले, इज इक्वल टू का निशान डालेंगे और उसके आगे सारा मैट्रिक्स लिख लेंगे जो इसकी एंट्रियां होंगी 1, 2, 3, 2, -1 और 0. और उसके ऊपर आप नीचे सी लिखेंगे, उसके ऊपर टाइनी सा टी डालेंगे, जिसका मतलब होगा कि इसको हम, इसका सी का हम ट्रांसपोज लेने लगे हैं, मतलब कि उसके कॉलम्स को हम रो में तब्दील करने लगे हैं. इस तरह ये वाला मैट्रिक्स के ऊपर भी हम छोटा सा टी डाल देंगे, इसका मतलब होगा कि हम अभी ट्रांसपोज लेने लगे हैं. सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये वाले सारी की सारी रोज को कॉलम को रोज में तब्दील कर देंगे. ये कॉलम है 1, 2, 3, इसको 1, 2, 3 रो बना देंगे, और 2, -1, 0 इसको कॉलम, इस कॉलम को भी रो में लिख देंगे, और 2, -1, 0 इसका आंसर आ जाएगा. अब एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 5, ट्रांसपोज फाइंड करना है और डी में ये वाला मैट्रिक्स है. डी इज इक्वल टू 2, 3, 0, 5, और ये दो कॉलम हैं. इसका ट्रांसपोज लेने के लिए जो प्रोसीजर हम करते हैं, टी, डी के ऊपर टी डाल दिया, जिसका मतलब होगा कि डी का ट्रांसपोज लिया जाने लगा है. तो ये वाले मैट्रिक्स के ऊपर भी छोटा सा टाइनी सा टी डाल देंगे, जिसका मतलब होगा कि ये वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाने लगा है. तो यहां पर डी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होगा, इसको कॉलम को रो में तब्दील कर देंगे, 2, 0 और 3, 5 हो जाएगा ये वाला. ये कॉलम्स को हमने रो में तब्दील कर दिया और डी का ट्रांसपोज आ गया. अब ई, यहां पर ई मैट्रिक्स लिख लिया हमने, और ई की सारी एंट्रियां 2, 3, -4 और 5 लिख दिया. इसके दो कॉलम हैं, इसको रोज में तब्दील करेंगे तो वो उसका ट्रांसपोज आ जाएगा. ई के ऊपर छोटा सा टाइनी सा टी डाल दिया, और इस मैट्रिक्स के ऊपर भी छोटा सा टी डाल देंगे, जिसका मतलब ये होगा कि इस मैट्रिक्स का हम, इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेने लगे हैं. और ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ गया 2, -4 और 3, 5. इस सारे के सारे कॉलम्स को, दो ही हैं कॉलम, दोनों कॉलम को हमने दोनों रोज में तब्दील कर दिया है, तो इसका ट्रांसपोज आ गया है. अब
एफ मैट्रिक को लिखा एफ फिजिकल टू मैट्रिक्स की सारी की सारी एंट्रीज, जिस तरह हम मैट्रिक्स लिखते होते हैं ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देते होते हैं, तो ये सारी की सारी एंट्रियां 1 2 3 4 लिख दिया। अब एफ के ऊपर छोटा सा टी डालेंगे जिसका मतलब होगा एफ का ट्रांसपोज लिया जा रहा है, और इस मैट्रिक्स के ऊपर भी छोटा सा टी डालेंगे जिसका मतलब होगा कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जा रहा है, यानी कि सारी की सारी जो रोज हैं उसको कॉलम में, जो कॉलम्स हैं इसको रोज में तब्दील किया जा रहा है। तो यहां पर एफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ गया 1 3 और 2 4, ये सारे का सारा दो कॉलम थे दोनों को हमने रोज में तब्दील कर दिया, तो ये एफ ट्रांसपोज आ गया। अब आखिरी क्वेश्चन इसका रह गया है एक्सरसाइज 1.2, इसका क्वेश्चन 6, वेरीफाई इफ ए इज इक्वल टू 1 2 0 1, ये वाला मैट्रिक्स दिया गया है, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है पहले, और उसके बाद फिर उस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, तो वो ए के बराबर आता है, ये फाइंड करना है, ये प्रूफ करना है हमें। यहां पर ए लिख लिया और यहां पर मैट्रिक्स लिख लिया, और ए का ट्रांसपोज लिख लिया, इसका मतलब होगा कि हम इस वाले का ट्रांसपोज लेने लगे हैं, यानी कि ए के ऊपर ये टी छोटा टाइनी सा टी लिख दिया जिसका मतलब होगा ए ट्रांसपोज लेने लगे हैं, इस कॉलम के ऊपर भी छोटा सा, इस मैट्रिक्स के ऊपर भी छोटा सा टी डाल देंगे जिसका मतलब होगा कि इस मैट्रिक का ट्रांसपोज लेना है हमने अभी। तो ए टी इज इक्वल टू ये वाला रोज को कॉलम में हमने तब्दील कर लिया है, ये वाली सारी रोज को कॉलम में हमने तब्दील कर दिया है, या ये भी कह सकते हैं इन रोज इन कॉलम्स को रो में तब्दील कर दिया है, तो यही इसका ट्रांसपोज होता है। इन रोज को कॉलम में हमने तब्दील किया, तो ये वाली 1 और 2 लिखा हुआ है इसको कॉलम की शक्ल में लिख देंगे 1 और 2, और उसके बाद 0 और 1 जो लिखा हुआ है इसको 0 और 1 कॉलम की शक्ल में लिख देंगे, और ये टी ऊपर से खत्म होके इसके अंदर अप्लाई हो गया, यानी कि इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया। जब ए का ट्रांसपोज लिया तो ये वाली मैट्रिक्स एंट्रियां आ गई 1 0 2 1 रो की शक्ल में। अब इस ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेना है, यहां पर हम लिख देंगे ए ट्रांसपोज और उसके बाद ए होल का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज और उसके बाद ये सारे होल का ट्रांसपोज, और ये ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, ये ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यहां पर लिखा और इसके ऊपर टी लिखा, यानी कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम लेने लगे हैं। तो इस ट्रांसपोज के ट्रांसपोज की सारी रोज को हमने कॉलम में तब्दील कर देना है, ये रो है इसकी 1 0, तो यहां पर हम कॉलम में लिख देंगे 1 0, और ये रो है इसकी 2 1, तो यहां पर इसको कॉलम में हम लिख देंगे 2 1, तो ये ए ट्रांसपोज है। और अगर गौर से देखा जाए तो ये ही ए है, ये ए के बराबर है, तो इसकी जगह पर हम ए लिख सकते हैं, तो हेंस ये प्रूफ हुआ कि ए ट्रांसपोज और होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है ए के। अब हमने सेकंड पार्ट करना है, सेकंड पार्ट में बी का ट्रांसपोज लेना है और उसके बाद उसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है और उसको बी के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ये वाला जो बी मैट्रिक्स है ये इस तरह हम लिख लेते हैं। उसके बाद जिस तरह काफी सारे सवाल हम पहले कर चुके हैं इसी तरह बी का ट्रांसपोज इधर लिखेंगे और ये वाला सारा मैट्रिक्स इधर लिखेंगे और उसके ऊपर ये वाला टैन सा टी लिखेंगे जिसका मतलब ये होगा कि हम इसका ट्रांसपोज लेने लगे हैं। अब यहां पर बी और ये वाला ट्रांसपोज हमने ले लिया है,
ट्रांसपोज लेने का क्या मतलब कि ये वाली जो रोज थी इनको कॉलम में हमने बदल दिया है और ये ऊपर से टी खत्म हो जाएगा और ये वाला यहां पर ये वाली रो इस कॉलम में तब्दील हो जाएगी। वन वन रो की बजाय इस कॉलम में लिख देंगे आप, टू जीरो रो की बजाय आप टू जीरो इस कॉलम में लिख देंगे और बी ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया वन वन टू जीरो। अब इसका ये वाला बी ट्रांसपोज है, अब इसका फर्दर ट्रांसपोज लेना है यानी कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है तो यहां पर हम लिख देंगे बी ट्रांसपोज और उस पर ये ब्रैकेट सी डाल के होल का ट्रांसपोज लिखेंगे और उसके बाद ये वाला बी ट्रांसपोज है और इसके ऊपर टाइनी सा टी लिख लेंगे जिसका मतलब होगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो उसके बाद हम यहां पर बी ट्रांसपोज लेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि ये वाली जो रोज हैं ये कॉलम में बदल जाएंगी। ये रो में क्या लिखा है वन टू और इधर कॉलम में आ जाएगा वन टू और ये रो में क्या लिखा हुआ है वन जीरो तो इधर कॉलम में आ जाएगा वन जीरो। तो यहां पर ये बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ चुका है और अगर हम गौर से देखें तो ये बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी के ही इक्वल है ये, तो यहां पर हम इजीली लिख लेंगे बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी हेंस प्रूव। तो यही प्रूव हो गया, यही हमने प्रूव करना था, ये वाला कंप्लीट हो गया।